कलेक्ट्रेट स्थित भवन का शहर के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने जहां लाइफलाइन परिवार का धन्यवाद किया, वहीं डॉक्टर अनूप का कहना था कि चिकित्सक होने के साथ साथ वह समाज के लोगों के साथ भी हर वक्त खड़े हैं और समय समय पर उनकी ज़रूरतों को अपनी क्षमता अनुसार पूरा करते रहेंगे। नज़ारा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार का। इसका वृहद सुंदरीकरण लाइफलाइन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, लाइफलाइन फाउंडेशन और भारतीय ह्यूमन केयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा करवाया गया है। दरअसल इस सभागार का लोकार्पण आज शहर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अनूप कुमार सिंह जब इस भवन का लोकार्पण करने पहुंचे तो वहां स्वागताध्यक्ष जफर इकबाल व मंत्री जयप्रकाश यादव द्वारा इन्हें बूके देकर के सम्मानित किया गया, जिसके बाद लोकार्पण के बाद आयोजित समारोह में माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के बाद मुख्य अतिथि महोदय का समस्त अधिवक्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत गीत सरस्वती वंदना की भी प्रस्तुत हुई। मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह के रूप में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की अनुकृत दी गई, जिसको एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर इकबाल और मंत्री जयप्रकाश यादव द्वारा दिया गया। साथ ही साथ मोहम्मद असफर शेख द्वारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जलगृह का निर्माण करवाया गया, उन्हें भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और आभार प्रकट किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद शहर के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का कहना था कि समाज के हर वर्ग के चिकित्सक के रूप में ईश्वरीय कार्य मानकर सदैव सहृदय से सेवा करते हुए समाज के अन्य प्रतिष्ठानों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना रखता हूं और इसी उद्देश्य से मुझसे जो हो सकता है वह मैं करता रहता हूं समय समय पर। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए जो मुझसे बल पड़ा वह मैंने किया। यह कार्य पूरे अधिवक्ता समाज के लिए है और समाज के लिए कार्य करना सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता है। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि हम द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कृतज्ञ हैं कि उनके द्वारा हमें यह अवसर दिया गया, जो हमारा सम्मान किया गया, हम उसके लिए द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऋणी रहेंगे और जब भी बार एसोसिएशन को हमारी ज़रूरत होगी और हमें बुलाया जाएगा, हम सदैव उनके अनुरोध को स्वीकार करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो ये जो सभागार है जिसका उद्घाटन हो रहा है और लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हम जो भी हमारा समाज है, जो भी हमारा देश है, हम लोग को सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सा सहयोग अगर हर व्यक्ति करेगा अपने देश के निर्माण के लिए तो जाहिर सी बात है हमारे देश काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और चीज़ें काफ़ी बेहतर बनाई जा सकती हैं। हमने अपने गुरुओं से सीखा है कि जहाँ पे रहो उस जगह को ही वृंदावन बना दो। हम इसी एक प्रक्रिया पे चलते हैं और यही हमारे जीवन की एक थीम रहती है। फिर चाहे वो भवाली मोड़ हो, चाहे वो राजघाट हो, चाहे आज ही सभागार हो, हम आभारी हैं पूरे बार एसोसिएशन का कि उन्होंने आज हमें मौका दिया, जिसके लिए आज हम बार एसोसिएशन के लिए आज इस लोकार्पण में हम आए और यहाँ पे आज ये लोकार्पण हो रहा है और हम आभारी हैं बार एसोसिएशन के कि उन्होंने हमें मौका दिया इस सहयोग को करने का। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा भी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अनूप को सम्मानित करने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुआ गया तो उन्होंने जो कहा वह कुछ इस तरह से था। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर साहब के इस महान योगदान की काफ़ी प्रशंसा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी ये इसी तरह का सामाजिक कार्य करते रहेंगे और इन्होंने आजमगढ़ में बहुत कुछ किया है उसकी गिनती नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब के सहयोग से ये जो हाल का सुंदरीकरण हुआ है, जितना हुआ है, पंखा, लाइट, फाल सीलिंग और फर्श, सारी टाइल्स वगैरह, ये मेज, सब सारी चीज़ें इन्हीं की सुंदरीकरण से संबंधित जितनी चीज़ हुई है सब डॉक्टर साहब एक अच्छा प्रयास हुआ इन्होंने और हमारी बात को इन्होंने माना और सहयोग भी किया। हम संगठन की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आइंदा के लिए भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारे संरक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे, जहां भी ज़रूरत होगा सुंदरीकरण करते रहेंगे, नया निर्माण भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर से इस बात के लिए समर्थन किया कि लाइफलाइन परिवार हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहता है, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी बराबर वह काम करता रहता है और आने वाले समय में भी उसे लाइफलाइन से कुछ इसी तरह की उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि लाइफलाइन अकेले
लाइफलाइन हॉस्पिटल नहीं बल्कि कई लोगों के लिए लाइफलाइन बनता जा रहा है।